हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको कब सीजनल रिवार्ड्स मिलेंगे दोस्तों। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। WCC3 ने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया है दोस्तों, वो भी आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा दोस्तों। मतलब 60 डेज में हम लोगों को क्या सीजनल रिवार्ड्स मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इतना सब स्किप कर दिया तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहता हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों 11th मई को WCC3 का बीटा वर्जन रिलीज हुआ दोस्तों। 60 डेज तो पूरा हो गया दोस्तों, मतलब जुलाई 11th भी हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग को प्लैटिनम कॉइंस का सीजनल रिवॉर्ड्स अभी भी हम लोग को नहीं मिला दोस्तों। इसका क्या कारण है मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और हम लोग को क्यों प्लैटिनम कॉइन सीजनल रिवॉर्ड्स नहीं मिले दोस्तों, इसका पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों इसके बारे में एक बंदे ने WCC3 को ट्विटर पे ट्वीट किया दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस बंदे का ये कहना है कि सीजनल रिवॉर्ड्स तो हो गए, मतलब सीजन तो एंड हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को सीजनल रिवॉर्ड्स नहीं मिले। मतलब 60 डेज का जो सीजन था वो तो निकल गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्लैटिनम कॉइन्स जो मिलने वाले सीजनल रिवॉर्ड्स वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, तो इसका क्या कारण है ऐसा करके WCC3 को इस बंदे ने पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इस बंदे को WCC3 ने रिप्लाई दिया है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को रिप्लाई दिखाने वाला हूँ। मतलब WCC3 ने क्या कहा, हम लोगों को कब सीजनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसका क्या कारण है, ये मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो इसके बारे में WCC3 ने क्या कहा। तो दोस्तों WCC3 का ये कहना है वो 60 डेज का रिवॉर्ड्स आप लोगों को 1200 प्लैटिनम कॉइन्स मिलने वाला है, वो आप लोगों को डेली मिशंस करने पर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों को 60 डेज में 1200 प्लैटिनम कॉइन्स डेली मिशंस करने पर मिलेंगे। इसका मतलब जो 60 डेज का सीजन है हम लोगों को मिलने वाला 1200 प्लैटिनम कॉइन्स, वो हम लोगों को डेली मिशंस करने पर मिलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो हम लोगों को एक दिन में 20 प्लैटिनम कॉइन्स मिलते हैं, अगर हम ऐड देख लेंगे तो हम लोग को 20 प्लैटिनम कॉइन्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से हम लोगों को पूरा 60 डेज में 1200 प्लैटिनम कॉइन्स मिलेंगे दोस्तों। WCC3 का ये कहना है कि हम लोगों को डेली मिशंस करने पर 1200 प्लैटिनम कॉइन्स मिलते, वही है रिवॉर्ड्स। मतलब तो दोस्तों अभी बात आते हैं हम लोगों को सीजनल रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे। तो सीजनल रिवॉर्ड्स जैसे कि हम लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, वही टाइम लगेगा, मतलब अभी हम लोगों को सीजनल रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सीजनल रिवॉर्ड्स तो हम लोगों को जब एंड हो जाएगा तभी हम लोगों को सीजनल रिवॉर्ड्स मिल जाएगा दोस्तों, मतलब जब सीजन एंड हो जाएगा तभी हम लोगों को सीजनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसका मतलब हम लोगों को अभी सीजनल रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, और 60 डेज का प्लैटिनम कॉइन्स तो हम लोगों को डेली मिशन से ही मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आप लोगों को 60 डेज एंड होने पर 1200 प्लैटिनम कॉइन्स मिलते हैं, जो आप लोगों को डेली मिशन करने पर मिलते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।